आज आप लोगों को बताएंगे MPG 4 सेट टॉप बॉक्स मेल 1 का जो मेनू आता है या फिर जो जो सिस्टम रहता है MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में मेल 1 में वो आप लोगों को दिखाएंगे। यह जो थीम आप लोग देख रहे हैं यह मेल 1 सेट टॉप बॉक्स का है। पहले आप लोगों को इंस्टॉलेशन मिलता है, उसके बाद चैनल लिस्ट, मीडिया, गेम, वाईफाई सिस्टम, यूट्यूब, DLNA, सेटिप, फेसबुक, ये सब फीचर्स आप लोगों को इन सेट टॉप बॉक्स में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो इंस्टॉलेशन में हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, एक तरफ सैटेलाइट लिस्ट देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ सैटेलाइट का कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे बहुत सारे बटन दिया गया है, कलर्स बटन, रेड, ग्रीन, येलो, तो ब्लू, इन सब में अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, चैनल लिस्ट। चैनल लिस्ट में टीवी चैनल में आप लोगों को यहाँ चैनल लिस्ट मिलेगा, उसके बाद रेडियो चैनल लिस्ट, यहाँ रेडियो चैनल आप लोगों को मिलेगा, टाइमर सेटिंग मिलेगा, डिलीट ऑप्शन का मिलेगा और फेवरेट ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। ये है चैनल लिस्ट का ऑप्शन। मीडिया में जाएंगे तो मीडिया में USB ड्राइव में अगर किसी भी अगर पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो आप लोग उसको प्ले कर सकते हैं। गेम में आप लोगों को दो गेम आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। वाईफाई सिस्टम में आप लोग वाईफाई डोंगल के थ्रू वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा केबल के थ्रू 3G और लैंड कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिस्टम में, तो YouTube दिखाते हैं। YouTube यहाँ चलता है, हर वक्त चलता है, अपडेट होता है, ऑनलाइन अपडेट आप लोगों को मिल जाता है, यह एक ऑप्शन है, यह भी चलता है। और उसके बाद Facebook भी आप लोग यहाँ लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद जो सिस्टम है, सिस्टम में आप लोगों को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यहाँ वाईफाई 3G और लैंड। इंफॉर्मेशन में आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन मिलता है, सेट का, सेट टॉप बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो इंफॉर्मेशन मिलता है। लैंग्वेज यहाँ आपको सेट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद लोकल टाइम सेटिंग है, फैक्ट्री सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग है, सॉफ्टवेयर अपडेट है और पैटर्न लॉक का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। तो ये है जो सिस्टम सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग का कुछ ऑप्शन। अब यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में आप लोग जो है यहाँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, USB के थ्रू भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप कभी भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, इन सेट टॉप बॉक्स को अपडेट हो जाता है। और यही इस सेट टॉप बॉक्स की खासियत है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इसलिए इसमें YouTube बहुत आसानी से चलता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।